नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आज के जो इस चीज़ के बारे में बात करने वाले दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये दोस्तों फोल्डेबल फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, रॉयल कंपनी की तरफ से आने वाला रॉयल फ्लेक्स पाई। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। दोस्तों ये फ़ोन चाइना में लॉन्च भी हो चुका है, जिसकी आगे हम बात करेंगे। कुछ लीक्स में बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये कुछ पिक्स हैं इसके। दोस्तों मतलब ये पहला दुनिया का वर्ल्ड का पहला फोल्डेबल फ़ोन है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप इसको कितना एंटी लगता है, जिसे फोल्ड करके जेब में डाल दिया, फोल्ड करके रख दिया, बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता है अपने साथ। दोस्तों ये कुछ लीक्स हैं, आप इसको फोल्ड करके नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये फ़ोन नहीं दोस्तों, ये टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, फ़ोन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई इसमें, तो आगे देखते हैं कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसमें होता क्या है। दोस्तों इसमें देखो 7.8 इंच का एमोलेड स्क्रीन आता है, जिसका पिक्सल साइज है 1440 पिक्सल रेजोल्यूशन है। दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, 7.8 इंच का दोस्तों इसका साइज़ है। और दोस्तों इसमें फ्लेक्स पाई डिज़ाइन, मतलब ये देख सकते हो आप, जो पीछे हाइंज दी हुई है दोस्तों, ये बैंड टाइप है कुछ इसमें लगा है उनका मटेरियल। तो दोस्तों R&D पे बहुत खर्चा करते हैं, इसलिए अच्छी चीज़ दी। तो दोस्तों ये फोल्ड होती है ये दोस्तों अपने R&D पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसलिए इतनी कमाल की चीज़ें दिवाते हैं। USB टाइप सी आता है दोस्तों, इसमें फिंगर प्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, जो कि शायद इन स्क्रीन होगा। और दोस्तों बड़ा ही कमाल का फ़ोन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कूल लगा दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट वगैरह। फ़ोन लॉन्च हुआ दोस्तों, जो लोग चला रहे हैं इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें 2.8 GHz का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। और इसमें रॉयल कंपनी का खुद का रो चार्ज है दोस्तों, जो कि काफ़ी फास्ट चार्ज होता होगा। तो दोस्तों आखिर में निकल के ये आता है कि इसमें स्नैपड्रैगन 855 है, जो वर्ल्ड का नया स्नैपड्रैगन का सबसे नया प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 6 और 8 GB रैम आती है, 128 GB और 256 GB स्टोरेज के साथ। और डुअल कैमरा आता है, जो कि 216+20 का आता है, जो कि फ्रंट में ही है, दोनों पीछे कैमरा भी फ्रंट का कैमरा भी पीछे काम करता है, तो फ्रंट का तो फ्रंट करेगा दोस्तों। कहने का मीनिंग है दोस्तों, इसमें पीछे कोई कैमरा नहीं दिया हुआ है, दोनों फ्रंट में कैमराज दिए गए हैं, क्योंकि ये फोल्ड होता है तो पीछे कैमरा देने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये उसने एक दिमाग लगाया अपने R&D पे खर्चा करके, कि हम दोनों कैमरे फ्रंट में दे देते हैं। और इनका टेम्परेचर है 1.8 का, और 3970 mAh की बैटरी है। जी हाँ दोस्तों, 3970 mAh की बैटरी है, और ये Android 9 पे चलने वाला फ़ोन है। इसकी चाइना में कीमत है 8999, 6 GB रैम वेरियंट की, और 9998 रुपये 8 GB 256 GB के वेरियंट की दोस्तों चाइना की कीमत है। तो कुछ ये निकल के आता दोस्तों, जो यूज़ करें वो काफ़ी पसंद करें फ़ोन को। इसकी लॉन्चिंग तो दोस्तों काफ़ी 3-4 दिन पहले की गई थी, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ थोड़ा लेट हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये दी गई इंटरेस्टिंग जानकारी आपको पसंद आई होगी, काफ़ी पसंद आई दोस्तों लोगों को। तो ये फ़ोन बहुत पसंद आ रहा है, इंडिया में कब आता है ये शायद पक्का नहीं हुआ दोस्तों, नक्की हो जाएगा तो ठीक रहे। इंडिया के यूज़र्स भी 90,000 रुपये कीमत है इसकी इंडियन रुपीज़ में। तो दोस्तों ये कुछ वीडियो है, पसंद आया हो तो यार लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।